हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के लिए अलग तरह से मिठाई लेके आई हूँ। अगर आपको मीठा खाने का मन है और घर में कुछ नहीं है तो चलिए ब्रेड से बनाते हैं कुछ मीठा। देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है और बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको स्टोर कर एक हफ्ता तक रख भी सकते हैं। आप चीनी या गुड़ कुछ में चीज़ में भी इसको बना सकते हैं और टेस्टी भी लगता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। सिर्फ ब्रेड और गुड़ से बना है और कुछ नहीं इसमें डाला हुआ है। देखिए ये ब्रेड मैंने ले ली है। अब आप जितना बनाना चाहे बना सकती है, ज़्यादा कम। और इसको स्टोर करके भी रख सकती है, आपको बताया ही मैंने। आप इसको रख सकती है, एक हफ्ता तक आराम से रह सकता है। इसको आप अपने अनुसार छोटा बड़ा पीस काट लीजिए और काट कर इसको फ्राई कर लीजिए। आप कटर से या चाकू के सहायता से आप जो डिजाइन मन कर, चौकोर, गोल, लंबा, जो भी आपको डिजाइन अच्छा लगे उससे आपको काट लेना है। देखिए मैं चौकोर काटी हूँ, हम सभी इसको चौकोर काट लेंगे और उसको फ्राई करेंगे। कढ़ाई में मैं तेल गरम करने के लिए रख देती हूँ, रिफाइन। आप जो भी तेल पसंद करते हैं, घी तेल जिसमें पसंद करते हैं उसमें इसको फ्राई कर सकते हैं। और बहुत लाल नहीं करना है, जलाना नहीं है, एकदम ब्राउन, हल्का ब्राउन हो तो निकाल लेना है। और कड़ा भी हो जाता है बढ़िया से। देखिए ब्राउन हो गया है। इसी तरह सभी को मैं फ्राई कर ली हूँ। बहुत ही जल्दी बन के तैयार होता है। देखिए जल्दी जल्दी फ्राई भी हो जा रहा है। इसी तरह हम सभी को फ्राई कर लेंगे और थोड़ा देर ठंडा हो जाने देंगे। ठंडा होने के बाद वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है और गरम गरम ही डाल देंगे तो वो मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाएगा। तो सॉफ्ट नहीं करना, हमको थोड़ा सा कड़ा कड़ा ही रखना है कि खाने में कुरकुरा और टेस्ट उसका अच्छा आए। एक गिलास मैंने पानी डाल दी है, उसमें 250 ग्राम गुड़ डाल देंगे। आप अपने जो ब्रेड फ्राई किया उसी के अकॉर्डिंग गुड़ डालिएगा। देखिए एक तार का चाशनी हो जाने के बाद, जो हम लोग बादाम का लड्डू या कसा तिल मावा लड्डू बनाने में जो घोल तैयार करते हैं उसी तरह बनाना है। इसका पाग पाग बनाने में थोड़ा सा घी डाल देना चाहिए, क्योंकि उस घी डालने से टेस्ट भी उसका अच्छा आता है और सॉफ्ट भी होता है, ज़्यादा कड़ा नहीं होगा। जो चाशनी है वो कड़ा नहीं होगा। चाशनी बनाने के लिए जब लास्ट स्टेज पे आए चाशनी तो उसमें 2 चम्मच घी डाल दीजिए, उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और वो टाइट भी ज़्यादा नहीं होता है। देखिए बनकर तैयार हो गया है और मैं इसी में सभी जो फ्राई किया हुआ ब्रेड है उसमें को डाल दूँगा। गैस को लो फ्लेम पर कर देना है, बंद नहीं करना है। इसी में सभी को डालकर और चलाते थोड़ा देर इसी में मिक्स कर देंगे।
सभी पर एक कोट पूरा मोटा लेयर लग जाएगा, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, सभी को बहुत पसंद पड़ता है और पता भी नहीं चलता है कि क्या चीज़ का बना हुआ है, लेकिन एक्चुअली ब्रेड का ही रहता है। देखिए अब इसको हम कोई बर्तन में पलट दिए हैं और ठंडा होगा तो इसको डिब्बा में रख देंगे। देखिए बनके तैयार हो गया है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा क्योंकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता है। और अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार है तो सब्सक्राइब प्लीज ज़रूर कीजिएगा और जो बेल है उसको घंटा उसको दबा दीजिएगा क्योंकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आपके पास मिलता रहे। थैंक यू।